हाय फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। 7 दिनों तक ये खाने के बाद देखना दोस्तों, सौंफ खाने के बाद जान करके आप चकित हो जाएंगे, इसके इतना ज़्यादा ढेरों सारा फायदा है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपने यह देखा जरूर होगा दोस्तों, रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर सौंफ खाने को देते हैं। सौंफ का उपयोग घरों में भी अनेक तरह के किया जाता है। इसके लिए जैसे कि सौंफ का प्रयोग आप जो दोस्तों मुंह के स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, मुंह के बदबू को दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौंफ खाने से, ठीक है, जो सौंफ होता है ना, ये भोजन को पचाने का काम करता है, वीर्य की वृद्धि करता है, हृदय मस्तिष्क का और शरीर को ये लाभकारी फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। इसका प्रयोग बुखार, गठिया आदि वात रोगों में किया जाता है। घाव हैं, दर्द हैं, आँखों के रोग हैं, योनि के दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। कब्ज की समस्या हो रही उसे भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने इसके प्रशंसा की है। और अगर मैं दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर मैं सौंफ की औषधि गुणों की बात करूँ तो ये कीड़ों को भी मारने का काम करता है, पेट के प्यास को दूर करता है, उल्टी को भी ये रोकने का काम करता है, पेचिस हैं, बवासीर की बीमारी है, टीबी हैं, ये बहुत सारी बीमारी को भी ये ठीक करने में काम आता है। मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, आयुर्वेद में ही जीवन छुपा है। कोई भी पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, वनस्पतियाँ फालतू नहीं होती। हर पेड़ पौधे में औषधि गुण छुपा होता है, बस उसे हमें पहचानना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में जानेंगे सौंफ के फायदे के बारे में। दोस्तों फायदा बताने से पहले, यानी कि वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाजू में बने बेल का आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो डालूं दोस्तों, मैं आयुर्वेद के संबंध में अच्छे अच्छे ज्ञान भरी वीडियो डालूं, इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिल सके और आप जो दोस्तों मेरे अच्छे अच्छे वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। ये पेट की गैस की परेशानी को सबसे पहले दूर करने का काम करता है। अगर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सौंफ की जड़ के चूर्ण का सेवन किया जाए तो ये कब्ज में लाभ देते हैं। सौंफ के बीज का काढ़ा बना करके या सौंफ का अगर काढ़ा बना करके 5 से 10 ml की मात्रा में भोजन करने के बाद पिया जाए, छोटे बच्चे में या छोटे बच्चे को पिला दिया जाए, तो पेट भारी पा रहता है, कब्जा रहता है, पच नहीं रहे तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसका प्रयोग बड़ों को भी करना चाहिए जिनके पेट में गैस बनता है। सौंफ के इस्तेमाल से सिर के दर्द में आराम मिलता है। सौंफ को पानी के साथ पीस करके ललाट पर लगाने से, यानी कि मस्तक पर लगाने से सिर के दर्द दूर हो जाते हैं। तीसरा, आंखों के रोग में भी इसका प्रयोग होता है। सौंफ के पत्ते के रस में रुई को भिगा करके आंखों पर रखें, इससे आंखों की जलन, दर्द हैं, लालिमा आ गए, आंखों में एकदम से लालीपन आ गए हैं, आंख ढंग से दिखाई नहीं देते तो बड़े ऐसा दिखने भी लगते हैं, या 1 से 2 ग्राम सौंफ के चूर्ण में 65 मिलीग्राम के आसपास खसखस का पेस्ट बना करके या दोनों का चूर्ण बना करके आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आंखों की रोशनी को ये बढ़ाने का काम करते हैं। और आंखों के अगर ऊपर में लगा दिया जाए, इसका पेस्ट बन दिया जाए, तो आंखों की रोशनी बढ़ते हैं। सौंफ के उपयोग से जुकाम में भी काफ़ी फायदा मिलते हैं। 15 से 30 ml सौंफ के काढ़ा में खांड मिलाकर के पिलाने से जुकाम में काफ़ी लाभ मिलते हैं। सौंफ के सेवन से खांसी के रोग भी दूर होते हैं। अगर अंजीर के साथ सौंफ का सेवन किया जाए तो सूखी खांसी, गले के सूजन है, इसमें काफ़ी राहत मिलती है। बस आपको खाना खाने के बाद इसका प्रयोग करना है। मुंह के रोग में, यानी कि जैसे मुंह से बदबू आ रही है, मुँह में छाले हैं, तो सौंफ के बराबर आपको मात्रा में मिश्री लेना है, दोनों को मिला करके खाना है, तो इसे मुँह के बदबू आना दूर हो जाते हैं। हकलाने की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है। तो 15 से 30 ml सौंफ का काढ़ा और उसमें थोड़ा सा आपको मिश्री और गाय का दूध मिला करके पीना है, इसे हकलाने की परेशानी दूर होती है। सांसों की बीमारी जिसे हम दमा बोलते हैं, ठीक है, जितने भी फायदे बताता हूँ पेन कॉपी में नोट करके रख लिया करें। तो अंजीर के साथ सौंफ का सेवन करने से सूखी खांसी, गले की सूजन है और जो लंग कैंसर होता है इसमें भी काफ़ी लाभ मिलते हैं। 5 ml की मात्रा में सौंफ के पत्ते का रस का सेवन करने से अस्थमा में भी काफ़ी लाभ मिलते हैं। भूख की कमी को भी यह ठीक करता है। बराबर बराबर भाग में सौंफ, बिडंग, इस दोनों को मिला करके थोड़ा सा आप चाहते हैं तो काली मिर्च का चूर्ण भी ले सकते हैं। इसमें 2 से 5 ग्राम की मात्रा में इसे गुनगुने जल के साथ सेवन करना होता है। इससे काफ़ी शरीर में भूख बढ़ता है, ये कब्ज को भी दूर करने का काम करता है। ठीक इसका इसी प्रकार से प्रयोग करना है। ये पेचिस को भी दूर करता है, पेचिस हो रहे हैं तो सेम यही प्रयोग करना है। सौंफ के प्रयोग से मूत्र रोग का भी इलाज होता है। जी हाँ, सौंफ के फलों को पीस करके शरबत बना करके पीने से पेशाब की जलन शांत होती है। मासिक धर्म विकार में भी सौंफ के बीज के 10 से 20 ml
काढ़ा में मधुरस मिला करके नियमित रूप से अगर सेवन किया जाए, इसका काढ़ा पिया जाए, तो मासिक धर्म में जैसे जलन होती है या बाजपन की समस्या है वो भी दूर हो जाते हैं। स्तनपान कराने वाले महिलाओं में दूध को बढ़ाने का एक काम भी करता है। अगर सौंफ के पत्ते के 5 ml रस को 100 ml दूध में मिला करके पिया जाए या पिला दिया जाए तो स्तनपान कराने वाले जो महिला रहती हैं उसके दूध बढ़ने लगते हैं। मुंह को साफ करने के साथ साथ ही पागलपन को भी दूर करने का काम करता है। 15 से 30 ml सौंफ का काढ़ा मिश्री में मिला करके पीने से पागलपन दूर हो जाते हैं। इसका काढ़ा बना करके पिलाने से बुखार उतर जाते हैं। शरीर में अगर किसी हिस्से में दर्द हो रही हो दूर हो जाते हैं। नींद नहीं आ रही तो इसका काढ़ा पीने से नींद आते हैं। मोटापा घटाने का भी यह काम करता है। ठीक है, अगर प्रतिदिन सौंफ का काढ़ा पिया जाए तो यह मोटापा को भी घटाने का काम करता है। तो ये थे छोटे से जानकारी सौंफ के विषय में। थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।